वेलकम व्यूअर्स, आज एक बढ़िया सा 3 बेडरूम हाउस प्लान के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि बना हुआ है 750 स्क्वायर फीट जगह के अंदर। सो चलते हैं हम प्लान डिटेल्स में। जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल में नया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आने वाला जो वीडियो है वो आसानी से आपके पास पहुँच जाएगा। चलते हैं, 750 स्क्वायर फीट में हमें जितना लेंथ मिलेगा वो थोड़ा देख लेते हैं। इस साइड का कॉलम साइड से और फ्रंट साइड के कॉलम साइड जो मेन हमें लेंथ मिलेगा, ये देखिए, ये 30 फीट मतलब 30 फीट, और जो हमें फ्रंट साइड में मिलेगा वो है 25 फीट। सो 25 बाई 30 फीट के अंदर हमें आज का 3 बेडरूम हाउस प्लान देखने मिल रहा है। 750 स्क्वायर फीट जगह के अंदर हमें क्या मिल रहा है वो थोड़ा मार्किंग के साथ हम देख लेते हैं। मार्किंग करने से हमें समझने में आसानी हो जाता है कौन सा बेडरूम है और कौन सा टॉयलेट है। सो मार्किंग कर लेते हैं। ये देखिए, बेडरूम नंबर 1 है और बेडरूम 2 और बेडरूम 3, साथ में हम टॉयलेट भी मार्किंग कर लेते हैं। बेडरूम नंबर 2 के साथ हमें अटैच टॉयलेट दिया है और एक कॉमन टॉयलेट दिया हूँ, जिसको जाने के लिए स्टेयर के नीचे से हम जाने के लिए रास्ता दिए हैं। और फिर देखिए, हम किचन डाइनिंग साथ में रखा हूँ, वो भी मार्किंग कर लेते हैं। और फिर उसके बाद हमने हमारा जो साइट आउट है, जो कि हम बरामदा टाइप के यूज करेंगे, उसको भी मार्किंग कर लेते हैं। ये देखिए, हम इसको मार्किंग कर लिया जहाँ पे एक बेंच मैंने रखा हूँ। और फिर बात करेंगे हम इसका डायमेंशन वगैरह, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम तो इस बार प्लानिंग में कहाँ पोजीशन क्या किया हूँ वो तो देख लिए, बट हम अगर डायमेंशन नहीं जानना होगा तो फिर तो कुछ नहीं है। फिर चलते हैं हम डायमेंशन वगैरह थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो हमारा आज का प्लिंथ हाइट है वो 1.5 फीट का है, मतलब रोड से हमारा फ्लोर लेवल 1.5 फीट का होगा। सो इसीलिए हमने यहाँ पे 3 स्टेप प्रोवाइड किया हूँ, जिसका डिटेल्स में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, स्टेप 1, 2 एंड 3, साथ में इसका डायमेंशन भी, जो डायमेंशन देखिए 5 फीट 2 इंच का है। और जो हमें राइजर स्टेप है वो 10 इंच का है और जो राइजर है वो 6 इंच का है। और दोनों साइड में मैंने लैंडस्केप करके रखा हूँ। और जो हमें साइट आउट या बरामदा दिया हूँ, जिसका चौड़ाई है 5 फीट 5 इंच, और जो हमें लेंथ मिलेगा वो हमें देखिए, ये 12 फीट 2 इंचेस बिल्कुल कॉलम का साइड से। और फिर चलते हैं, हमारा जो डाइनिंग में एंट्री करने के लिए जो डोर का दिया हूँ वो है 3 फीट 6 इंचेस बाई 7 फीट का है, और जो हमें लिंटेल का हाइट रखा हूँ वो ये 6 इंच का होगा। अगर इसका स्टेयर डिटेल्स व स्टील डिटेल्स जानना होगा तो फिर कमेंट करिए। और फिर चलते हैं हमारा डाइनिंग प्लेस में। जिसका साइज 11 फीट 4 इंचेस बाई इस साइड हमें मिलेगा कॉलम का फेस से 10 फीट 6 इंचेस। इसमें हमने 6 सीटर टेबल, डाइनिंग टेबल और साथ में हमारा साइट में ओपन किचन स्लैब भी दिया हुआ है, और उसका प्राइवेसी रखने के लिए एक हम अलग से वॉल भी प्रोवाइड किया हूँ।
फिर चलते हैं हमारा जो स्टेयर केस। स्टेयर केस करने स्टेयर बनाने के लिए हमने जितना जगह का ज़रूरत है वो देखिए 6 फीट 4 इंचेस बाई 13 फीट 8 इंचेस। ओके, एक साइड हमने स्टेयर और एक साइड जिस साइड हमें ऊपर जाना होगा उसका नीचे हम पैसेज के लिए यूज करेंगे, जो कि हमें टॉयलेट जाने के लिए रास्ता मिलेगा। फिर चलते हैं हमारा बेडरूम नंबर जो 1 है उसका साइज, सॉरी ये नहीं है, ये 10 फीट बाई, ये 10 फीट है और इस तरफ हमें मिलेगा 12 फीट है। सो 10 बाई 12 का ये बेडरूम है, बढ़िया सा बेडरूम है, काफ़ी बड़ा भी है। और जो हमने एक विंडो इसमें प्रोवाइड किया हूँ और क्रॉस वेंटिलेशन के लिए हमें और एक विंडो प्रोवाइड करना चाहिए। सो मैंने यहाँ पे करके आप लोगों के साथ दिखा देता हूँ कि इसका मेजरमेंट क्या होगा। ये जो हमारा विंडो का हाइट है मतलब लिंटेल है ये 7 फीट में है, और जो सील लेवल है मतलब विंडो का नीचे लेवल जो है वो है 2.5 फीट में रखा हूँ प्लिंथ हाइट से। और फिर हमने यहाँ पे एक विंडो प्रोवाइड करेंगे और इसका साइज़ वगैरह मैं भी आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो देखते रहिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेडरूम का जो डोर होगा वो देखिए, वो हमें 3 फीट 6 इंचेस का रखना है, 3 फीट 6 इंचेस बाई 7 फीट है। ये 3 फीट 6 इंचेस बाई 7 फीट। फिर चलते हैं हमारा स्टेयर डिटेल्स थोड़ा बात कर लेते हैं। 3 फीट 2 इंचेस का है और जो हमें ट्रेट है वो देखिए 10 इंचेस, और राइजर जो होगा मतलब हाइट जो होगा 6 इंचेस। इसी तरह हमें 20 स्टेप चढ़ के हमें फर्स्ट फ्लोर में जाना होगा, क्योंकि हमारा जो बिल्डिंग हाइट है वो 10 फीट का है। अगर आप लोग इससे कम रखना चाहते हो तो स्टेप कम लगेगा, और ज़्यादा रखना चाहते हो तो स्टेप ज़्यादा लगेगा। मैंने यहाँ पे कॉमन टॉयलेट एंड बाथ में जाने के लिए इस स्टेयर को इसी तरह कैलकुलेशन करके रखा हूँ। टॉयलेट का जो डोर होगा 2.5 फीट बाई 7 फीट का। चलते हैं, टॉयलेट एंड बाथ दोनों साथ में ही है। सो इसका जो साइज है 4 फीट बाई 6 फीट 7 इंचेस। और फिर जो हमें अटैच टॉयलेट मिल रहा है जिसका साइज 4 फीट बाई 5 फीट है, ये हम अटैच टॉयलेट के लिए यूज करेंगे, जो कि हमारा मास्टर बेडरूम होगा। फिर चलते हैं इस बेडरूम का साइज, जिसका साइज 9 फीट 8 इंचेस बाई 12 फीट। आगे चलते हैं, हम जो बेडरूम नंबर 3 है उसका साइज 9 फीट 8 इंचेस बाई 12 फीट। ये है 12 फीट। सो हमें 750 स्क्वायर फीट जगह के अंदर शानदार एक हाउस प्लान देखने मिल रहा है, जिसका रूम भी काफ़ी बड़ा है, पैसेज भी बड़ा है। ये जो हमारा बेडरूम वगैरह है जिसका डोर साइज 3 फीट 6 इंचेस बाई 7 फीट है। ये था हमारा अंदर वाला डायमेंशन। अब चलते हैं बाहर में, जहाँ पे हम विंडो प्रोवाइड किया हूँ उसका भी थोड़ा सा साइज वगैरह देख लेते हैं। जो फ्रंट साइड में विंडो रखा हूँ देखिए वो 5 फीट है, और जो हमें हाइट मिलेगा 4 फीट 6 इंचेस। और क्रॉस वेंटिलेशन के लिए हमने दूसरा जो विंडो रखा हूँ वो 4 फीट 6 इंचेस बाई 5 फीट का है। रूम बड़ा है इसीलिए हम विंडो भी इसमें बड़ा प्रोवाइड किया हूँ। और जो हमें कॉमन टॉयलेट है उसका देखिए वेंटिलेटर जो होगा वो 3 फीट बाई 3 फीट है। आप लोग चाहते हो तो 2 फीट बाई 3 फीट रख सकते हो।
और जो अटैच टॉयलेट है जिसका 2 फीट बाई 2 फीट का रखा हूँ, और जो हमें बेडरूम नंबर और रखा है एक मास्टर बेडरूम, उसमें देखिए 4 फीट बाई 4 फीट 6 इंचेस, और दूसरा तीसरा बेडरूम में भी सेम साइज है, बट जिस साइड में बड़ा पोर्शन है मतलब लेंथ ज़्यादा है उसमें 5 फीट रखा हूँ। अब चलते हैं डाइनिंग में, देखिए 4 फीट 6 इंचेस बाई ये 6 फीट है, थोड़ा ज़्यादा रखा हूँ। ये था हमारा डायमेंशन वगैरह। व्यूअर्स, हमारा प्लान कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और ये प्लान बनाने के लिए हमें 12 कॉलम का यूज हुआ जिसका साइज़